आते हैं ना। वो यूथ में सही है, फर्स्ट हाँ पेपर के हाँ लिए यूथ की अच्छी है। हाँ तो अगर जैसे जो जो लगे आप DSSB की फर्स्ट पेपर के लिए कई किताबें आती हैं, तो जैसे आर गुप्ता की किताब है, आर गुप्ता की बेटर किताब मानी जाती है, तो आर गुप्ता की प्रैक्टिस के लिए किताब आप ले सकते हो, पार्ट फर्स्ट के लिए भी, पार्ट सेकंड के लिए भी, यूथ का भी आप ले सकते हो, ठीक है, कोई वो दिक्कत नहीं है। बाकी चाहो तो आप अलग अलग भी ले, लेकिन अगर आप ऑनलाइन क्लासेस आप DSSB को ले रहे हो, तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि पेपर सेकंड के लिए किसी भी किताब को लेने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, मैं सारी चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। ओके सर, तो बात करते हैं टॉपिक सोशल जस्टिस पे। मैंने आप लोगों से बताया था कि आज की हमारी जो क्लास है वो सामाजिक न्याय पर आधारित है, ध्यान से सुनिएगा आप सभी लोग। और हालांकि सभी लोगों को मालूम भी है सामाजिक न्याय होता क्या है, सब स्टूडेंट यानी सभी विद्यार्थियों को पता होगा, क्योंकि सामाजिक न्याय का मतलब ये होता है कि मनुष्य की गरिमा को बनाए रखना। बात को बड़े ध्यान समझिएगा, इंपॉर्टेंट क्लास है ये, मनुष्यों की गरिमा या मनुष्य की गरिमा को बनाए रखना और जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, वर्ण अथवा वर्ग के आधार पर मनुष्य के बीच भेदभाव को खत्म करना सामाजिक न्याय का पाठ होता है। हम उसे ही सामाजिक न्याय कहते हैं। जब हम उसे व्यापक अर्थों में देखते हैं, सोशल जस्टिस को, सामाजिक न्याय को, तो उसका मतलब होता है तीन शब्द पर। वो तीन शब्द है, एक सामाजिक, दूसरा है आर्थिक, तीसरा है राजनीतिक। ये तीन शब्द, इन तीन तरह के न्याय से होता है व्यापक अर्थों में सामाजिक न्याय का अर्थ। अगर हम बात करते हैं तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीन तरह के न्याय से होता है। आज के समय में, आधुनिक युग में, सामाजिक न्याय की मांग सामाजिक विकास की मांग के साथ जुड़ी होती है, और सामाजिक न्याय के आदर्शों को पूरा करने हेतु भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया है। आगामी परीक्षाओं में यहां से सवाल बनेंगे सामाजिक न्याय को लेकर। जैसे सवाल पूछ ले कि सामाजिक न्याय का तात्पर्य क्या होता है, सीमित अर्थों में पूछे। दो अर्थ बनते हैं इसके, एक बनता है सीमित अर्थ, एक बनता है व्यापक अर्थ। समझिएगा थोड़ा सा अच्छे से, मैं आप लोगों को यहां पर जिक्र करने वाला हूं। जब सीमित अर्थ बनता है तो इसका मतलब है कि सामाजिक जीवन के सभी मनुष्यों की गरिमा को स्वीकार करना, ये सामाजिक न्याय का मीनिंग है। स्त्री पुरुष के बीच में जो विभेद है, जो भेदभाव है, उसको समाप्त करना, नस्ल, जाति, धर्म आदि के आधार पर मनुष्यों के बीच में विभेद है, उन भेदभाव को, इन विभेद को समाप्त करना, ये सीमित अर्थ में सामाजिक न्याय होता है। लेकिन जब सवाल आपके सामने प्रस्तुत होता है कि व्यापक अर्थों में बताइए सोशल जस्टिस, तो आपके सामने वही शब्द आते हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, सामाजिक जीवन के या सामाजिक जीवन में अब मनुष्यों की गरिमा को स्वीकार किया जाए। स्त्री पुरुष, गोरे काले, जाति के आधार पर भेदभाव ना किया जाए। शिक्षा की उन्नति के अवसर पर सबको समान रूप से प्राप्त हो। ये सभी शब्द क्या हैं? ये सभी शब्द सामाजिक नीति हैं। सवाल कभी कभी सामाजिक न्याय से पूछ लेगा, कहेगा सामाजिक न्याय का मीनिंग बताइए, कहेगा आर्थिक न्याय का मीनिंग बताइए, कहेगा राजनीतिक न्याय का मीनिंग बताइए। इन तीन तरह के जो न्याय हैं बड़े इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ध्यान से सुनिए, सामाजिक न्याय एक राजनीतिक और दार्शनिक सिद्धांत है जो समाज में व्यक्तियों के बीच संबंधों, स्पष्टता की अवधारणा, धन, अवसर और सामाजिक विशेषाधिकार तक समान एक प्रकार से पहुंच पर केंद्रित होता है। और कह सकते हैं कि सामाजिक न्याय निष्पक्षता है, विदाउट भेदभाव है, जैसा कि समाज में प्रकट होता है। और इसमें स्वास्थ्य सेवा, रोजगार, आवास और बहुत कुछ से या बहुत कुछ में निष्पक्षता शामिल है। इस विश्वास से संबंधित कि सभी लोगों को समान अधिकार और अवसर होने चाहिए, यानी उनको मिलने चाहिए, ये सामाजिक न्याय शब्द को दर्शाता है। सामाजिक न्याय शब्द अगर सबसे पहले अगर पूछा जाए, पहली बार इसका जब प्रयोग हुआ, क्योंकि DSSB की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग सबसे ज्यादा फैक्टों से रूबरू रहें,
फैक्ट का मतलब होता है तथ्य, इन तथ्यों से आप रूबरू रहें। जैसे ध्यान से सुनिएगा, एक आप तथ्य आपसे सवाल करेगा कि सामाजिक न्याय, स्क्रीन को ध्यान से देखिएगा, स्क्रीन को आप फोन रोटेट कर लीजिए, फोन को घुमा लीजिएगा, अपनी स्क्रीन को जूम कर लीजिएगा तो आपको स्क्रीन साफ दिखाई देगी, ठीक है। तो सामाजिक न्याय के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इस शब्द का प्रयोग, पहली बार 1840 में इटली के पादरी, उनका नाम जानते हैं, लुइगी तपारेली नाम, इन्होंने 1940 में एक पुस्तक लिखी, याद रखिएगा, और उस पुस्तक में इन चीजों को, सामाजिक न्याय को रिप्रेजेंट किया था। किताब का नाम आप ध्यान सुनिएगा, एज गिलियो आप कह सकते हो, एज गिलियो, ये किताब का नाम है। इस किताब में ये सामाजिक न्याय शब्द मेंशन किया गया 1840 में, जबकि इसी शब्द की पहचान जब की गई, इस शब्द की पहचान यानी सामाजिक न्याय शब्द की पहचान, न्याय शब्द की पहचान, ठीक है, जब जिक्र किया जाता है तो शब्द यूज होता है 1848 में। अब इस शब्द की पहचान किसने किया था, तो एंटोनियो रोस्मिनो सर्वाली, हाँ, एंटोनियो रोस्मिनी सर्वाली, बिल्कुल करेक्ट जवाब। इस शब्द की आइडेंटिफाई सन 1848 में था। आज हम लोग परीक्षाओं में प्रश्न देखते हैं तो रिलेट होता है आधुनिक युग, और आधुनिक युग का मतलब होता है जो वर्तमान शब्द को रिलेट कराता है, है ना। तो मैं चाहूँगा कि आधुनिक युग में या आधुनिक काल में किस विद्वान का नाम फेमस है या किस विचारक का नाम फेमस है, जॉन रॉल्स और अमर्त्य सेन, न्याय को प्रमुख अवधारणा बना दिया, सामाजिक न्याय को प्रमुख अवधारणा में, अवधारणा का मतलब होता है सम प्रत्यय, अवधारणा का रूप बना दिया। तो वो नाम ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, उस विचारक का जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, क्या नाम है, जॉन रॉल्स और अमर्त्य सेन, और अमर्तेन या अमर्त्य सेन, ये नाम आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये सामाजिक न्याय के शब्द में आप लोगों को ध्यान रखना है, इतने तथ्य को, ये फैक्ट थे आपके सामने, ठीक है। आगे हम बात करते हैं सामाजिक न्याय में, कहा गया है कि इसमें विदाउट यानी सामाजिक जीवन में अब मनुष्यों की गरिमा को स्वीकार किया जाता है, शिक्षा की उन्नति की बात की जाती है, साथ ही साथ स्त्री पुरुष के बीच में जो विभेद है उसको समाप्त करने की बात करता है, नस्ल जाति धर्म आदि के आधारों पर मनुष्यों के बीच में विभेद को समाप्त करने की बात करता है, वही सामाजिक न्याय है, ठीक है। इस चीज को आप सभी लोग जो है ध्यान में रखेंगे सोशल जस्टिस के संबंध में। आगे अगले पॉइंट कहता है कि सामाजिक न्याय जाति नस्ल रंग धर्म आदि के आधार पर भेदभाव के बिना सभी के साथ समान व्यवहार को दर्शाता है, और यह व्यक्ति और समाज के बीच
जो है निष्पक्ष और न्यायपूर्ण संबंध से संबंधित होता है, और बात करेक्ट भी है। सामाजिक न्याय तो प्राचीन काल से ही राजनीतिक चिंतन का महत्वपूर्ण विषय रहा है ना। प्राचीन भारतीय में अगर हम बात करते हैं उसकी अवधारणा सामाजिक न्याय को, तो वो एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा वसुधैव करके, वसुधैव कुटुंबकम, कुटुंबकम, हाँ कुटुंब कम शब्द सुना होगा। इस शब्द को जो मैं बता रहा हूँ ये प्राचीन भारतीय अवधारणा मिलता है वहां पे, जहां सामाजिक न्याय की गहनतम से अभिव्यक्त किया गया है। अर्थवेद के अगर अंतर्गत बात करते हैं तो आपने सुना होगा पृथ्वी परिवार अर्थात पृथ्वी शुक्ति में परिकल्पना की गई थी। तो भारतीय संस्कृति जो है सामाजिक न्याय का प्राचीनतम रूप माना जाता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। पुराने समाज से ये चीजें आती हैं। आगे कहा है सामाजिक न्याय की अगर डेफिनेशन पूछा जाता है या परिभाषा आप लोगों से पूछा जाता है तो आप सिंपल शब्दों में केवल यही बातें आप प्रस्तुत कर सकते हैं कि सामाजिक जीवन के सभी मनुष्यों की गरिमा को स्वीकार करना है, ये सामाजिक जो है न्याय है। स्त्री पुरुष के बीच में विभेद को खत्म करना सामाजिक न्याय है, ठीक है। नस्ल जाति धर्म आदि के आधार पर मनुष्यों के बीच जो विभेद है उसको समाप्त करना सामाजिक न्याय है। इस शब्द को आप ध्यान रखेंगे सभी लोग, ठीक है। ये एक प्रकार की ये डेफिनेशन बन जाएगी। आगे बात करते हैं सामाजिक न्याय के अंतर्गत कुछ सिद्धांत आते हैं, है ना, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। क्या आप बता सकते हैं वो कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं प्लीज? बताइए अगर आपको पता है तो स्पष्ट करिए, सामाजिक न्याय के बारे में थोड़ा सा जिक्र करिए, क्योंकि एक निष्पक्ष और निष्पक्ष समाज की अवधारणा उसकी दिशा में प्रक्रिया है जो सामाजिक न्याय की, क्योंकि सबको समान हक मिलना चाहिए। जी जैसे देखिए सामाजिक न्याय कि जब भी आप लोगों से पूछा जाए और वह दर्शाता हो आपको शब्द प्रिंसिपल को यानी सिद्धांत को, तो आप कह सकते हो कि संसाधनों तक पहुंच, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल जस्टिस, है ना, याद रखिएगा आप सभी लोग, इम्पोर्टेंट तथ्य है, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल जस्टिस। और इसका मीनिंग ही दर्शाता है एक प्रकार से, हालांकि जैसे देखो इक्वालिटी की बात करें, है ना, एक्सेस टू रिसोर्सेज की बात करें, ह्यूमन राइट की बात करें, पार्टिसिपेशन की बात करें, डाइवर्सिटी की बात करें, तो इसका मतलब क्या है, ये प्रिंसिपल ही तो होते हैं। बात समझ पा रहे हो आप मेरी? एक बार स्पष्ट करिए, क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? यस सर। जी सर। देखो मानव, यस सर, मानवीय गरिमा का सिद्धांत एक हो सकता है, आप मानव जीवन के प्रति सम्मान का सिद्धांत भी हो सकता है, अधिकार एवं उत्तरदायित्व का सिद्धांत हो सकता है, सामान्य भलाई का सिद्धांत हो सकता है, गरीबों और कमजोरों के लिए प्राथमिकता का सिद्धांत हो सकता है, एकजुटता का सिद्धांत हो सकता है, भागीदारी का सिद्धांत हो सकता है, बट सामाजिक न्याय के परिप्रेक्ष्य में आपको पॉजिटिव सोचना है। तो मैं एक बार पॉइंट्स को यहाँ पे नोट कर देता हूँ, आप उस पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा, है ना, ध्यान से सुन लीजिएगा, फिर उसके बाद मैं एक एक करके और भी चीजों पर बात करूंगा उस सिद्धांतों पर। तो अगर मैं बात करता हूँ तो सामाजिक न्याय का सिद्धांत, इनमें से जरूर अगर आपसे कोई पूछा जाता है तो सिद्धांत जरूर पूछा जाता है, इसलिए मैं चाहूंगा कि उन सिद्धांतों को आप ध्यान में रखें। जैसे सामाजिक न्याय का सिद्धांत, एक पॉइंट आप लिखेंगे सभी लोग, मानवीय गरिमा का सिद्धांत। बात को केवल समझते चलना है आप लोगों को, एक एक पॉइंट। दूसरे पॉइंट पर बात करते हैं तो मानव जीवन के प्रति, जीवन के प्रति सम्मान का सिद्धांत। देखिए सवाल पूछता है आप लोगों से परीक्षा में कि निम्नलिखित में से बताइए सामाजिक न्याय का सिद्धांत कौन सा नहीं है, चार मिलेंगे एक नहीं मिलेगा, और ये अगर पता रहेंगे तो आप इजीली कर लोगे। तीसरा और अधिकार एवं उत्तरदायित्व का सिद्धांत,
अधिकार एवं, देखो ये सभी जो हैं इजी हैं, आप आसानी से बता भी सकते हो उत्तरदायित्व का सिद्धांत। एक है सामान्य भलाई का सिद्धांत, है ना, ये सामाजिक न्याय के सिद्धांत हैं। और एक है एकजुटता का सिद्धांत, एक जुटता का सिद्धांत। एक है गरीबों और कमजोर, कहीं कहीं उपांति वर्गों भी लिखा रहता है ना, याद रखेंगे, कमजोरों के लिए प्राथमिकता का सिद्धांत। ठीक है, सिक्स हो गया। और एक सहभागिता कह लो या भागीदारी कह लो, बात दोनों एक ही है, भागीदारी का सिद्धांत। ठीक है, तो ये कुछ सोशल जस्टिस के प्रिंसिपल्स हैं, या आप ये कह लीजिए कि प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल जस्टिस, है ना, इम्पोर्टेंट हैं ये। और मैं चाहूँगा कि इसको आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से ये इनमें से आ सकता है। देखिए, इसमें मैंने अभी एक एक करके बात भी करूँगा, कुछ चीज़ें और भी क्लियर हो जाएगा। जैसे संसाधनों तक की पहुंच, एक्सेस टू रिसोर्सेस की बात किया है, है ना, तो ये बड़ा सिंपल है, बहुत ही आसान है, आप इजिली इसको बता भी सकते हो कि कहता है कि संसाधनों तक पहुंच जो है सामाजिक न्याय का एक मूलभूत सिद्धांत होता है। आपको पता होना चाहिए कि रिसोर्सेस कौन कौन से हैं। रिसोर्सेस का मतलब था संसाधन, और यह दर्शाता है कि विभिन्न सामाजिक आर्थिक समूहों को किस हद तक समान पहुंच हो, ताकि सभी के जीवन में समान शुरुआत हो सके। दुर्भाग्य से समाज में कई क्षेत्र में या कई क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक स्थिति, शिक्षा, रोजगार और पर्यावरण जैसे कारकों का आधार समुदायों की पहुंच के भिन्न स्तर है, और एक स्वस्थ समाज को सेवाओं और संसाधनों की पेशकश करनी चाहिए, और इनमें शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, आश्रय और भोजन शामिल किया गया है। हालांकि कई समाज में या कई समाजों में असमान पहुंच भी है। जैसे क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में चले जाइए, जब ग्रामीण क्षेत्रों में आप जाएंगे तो वहां के लोगों के बारे में जब आप पूछेंगे तो उन लोगों को कुछ रिसोर्सेस पता ही नहीं है, उनको कुछ योजनाएं और कार्यक्रम पता ही नहीं है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो। कोविड-19 को ही ले लो, कोविड-19 में ग्रामीण क्षेत्रों, क्या शहरों में ही किसी को पता नहीं था उसके टीके लगते हैं, लेकिन लोगों को जागरूक किया गया, है ना, उसके लक्षणों को भी बताया गया। तो ये रिसोर्सेज है, वो उन लोगों के पास पहुंचने चाहिए। तो आज भी समाज में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर रिसोर्सेज नहीं पहुंच पा रहे, संसाधन नहीं पहुंच पा रहे। संसाधन का होना अत्यंत आवश्यक है, और बिना संसाधन का कोई कार्य हो ही नहीं सकता, चाहे वो सोशल वर्क का हो, चाहे वो सोशियोलॉजी के अंतर्गत हो, चाहे वो क्रिमिनोलॉजी के अंतर्गत, है ना। तो रिसोर्सेज जिस भी ऑप्शन में लिखे रहेगा, उस ऑप्शन को आप सदैव सत्य मानिएगा, वो हमेशा सत्य ही होता है, क्योंकि रिसोर्सेज पॉजिटिव शब्द है ना, परीक्षा के दृष्टिकोण से। दूसरा समानता भी है एक ऐसा शब्द जो ये भी रिलेट कराता है सामाजिक न्याय को। समानता, समानता की बात अगर हम करते हैं तो देखिए एक प्रकार से इक्वालिटी की बात करता है। अभी मैंने एक परिभाषा बोला था, नस्ल, जाति, धर्म आदि के आधार पर मनुष्यों के बीच विभेद को खत्म करना, ये लाइन किस चीज को दर्शाता है? समानता को ही दर्शाता है ना, यस या नो, बताइएगा, बताइए। यस सर, यस सर, बिल्कुल। अगर स्त्री पुरुष, गोरे काले, जाति के आधार पर भेदभाव ना किया जाए, इसी शब्द को बेसिकली समानता दर्शाता, कहता है समान अवसर मिलना चाहिए समाज में, सभी को समान अवसर मिलना चाहिए समाज में। मैंने भी आप लोगों को कुछ पढ़ाया था ग्रामीण क्षेत्रों के लेकर, अभी प्रथा वगैरह के बारे में कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने क्लास किया था, उसमें बताया था कि किस तरीके से साहूकार और जमींदार लोग, बधुआ मजदूर पढ़ाया था, बधुआ मजदूर, है ना,
वो जमींदार साहूकार थे, उनके पास अथाह खेती थी, अथाह पैसा जी सर, तो उनके पास वो लोग बधे थे, वो ऋण ले लेते थे, उनके पास वो काम करते थे, तो उनको समानता मिल ही नहीं पाती थी, वो आगे होते ही नहीं थे, वो पीछे रहते थे हमेशा। तो सामाजिक न्याय कहता है इक्वलिटी की बात, साहूकार और जमींदार के बराबर की बात करता है कि एक बधुआ मजदूर भी रहे उसके बराबर। तो बड़ा ही सिंपल शब्दों में है समानता, समानता इक्वलिटी की बात करना, यानी समान अवसर देना चाहिए सभी को किसी भी फील्ड में, ठीक है। असमानता होने से सामाजिक न्याय नहीं होता है। कभी कभी आपने सुना भी होगा जब लड़ाई झगड़े वगैरह होते हैं घर में, तो आप लोग खुद कहते होंगे कि दोनों पक्षों की बात सुनो, है ना, और दोनों पक्ष जब सुनेंगे ना तब आप इक्वलिटी या न्याय कर पाएंगे वहां पे। एक पक्ष की बात तो सुन लिया आपने, है ना, आप लोग सिंपल शब्दों में कह दो, सुना है मुहावरा कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों हाथों से ताली बजती है, तो कहीं ना कहीं दोनों को गलती होगी, है ना, इसलिए दोनों की बात सुननी चाहिए। इसलिए ये शब्द जो है समानता को दर्शाता है, जब आप इस तरीके से कोई बिहेव करते हैं तो ये समानता है, और सभी को जो है वहां पे समान इक्वलिटी यानी अवसर देने की बात करनी चाहिए। और इजी शब्द है, आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। सहभागिता, पार्टिसिपेशन होता है, पार्टिसिपेशन देखो सोशल वर्क हो या सोशियोलॉजी या क्रिमिनोलॉजी, कहीं पे भी अगर आप काम कर रहे हैं भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। भागीदारी का मतलब होता है लोगों की भलाई। अगर जैसे आपने ग्रुप में काम किया, आपने कम्युनिटी में काम किया, तो उसमें लोगों की भागीदारी होना जरूरी है, पार्टिसिपेशन होना जरूरी है। अच्छा, कहने का है आप जब किसी को समाज की मुख्य धारा से जोड़ेंगे, लोगों को अगर मेन स्ट्रीम से जोड़ेंगे आप ना, तो कुछ लोग वहां पे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपकी आलोचना करेंगे, है ना, तो आपके लिए वो चुनौती है, जो आपकी कोई आलोचना कर रहा है वही चुनौती है, उसी को समाज की मुख्य धारा के अंदर लाना है, उसी को पार्टिसिपेट कराना है। तो सहभागिता कहता है कि भागीदारी व्यक्तियों के लिए उनकी भलाई को प्रभावित करने वाली नीतियों के निर्माण में भाग लेने के अवसर और मंच को संदर्भित करती है। सभी व्यक्ति समुदाय में और उनके जीवन को प्रभावित करने वाले निर्णयों में भाग लेने के हकदार हैं और किसी भी कारण से उन्हें बाहर नहीं किया जा सकता है। सभी विद्यार्थियों को समुदाय में और उनके जीवन को प्रभावित करने वाले निर्णयों में भाग लेने का अधिकार है और किसी भी कारण से उसे बाहर नहीं किया जा सकता है। अच्छा, ये भी है भाई, वो मलिन बस्ती से आया है, हो सकता है वो अच्छे कपड़े ना पहना हो सकता है वो अच्छा दिखता ना हो, तो इसका मतलब ये नहीं हो कि आप उसे ग्रुप से बाहर निकाल दोगे, उसे समुदाय से बाहर निकाल दोगे। ये सोशल वर्क कहता है आपसे, सोशियोलॉजी भी कहती है, क्रिमिनोलॉजी भी कहती है आपसे, कि जैसा जो लोग हैं जिस स्थिति में है, जिस कंडीशन में है, उसे उसी रूप में उसको क्या कर लीजिए, अनुमोदित कर लीजिए, उन्हीं स्वीकार कर लीजिए, एक्सेप्टेंस कर लीजिए, और इसी कारण से आप अगर बाहर निकाल देते हैं किसी कारणवश किसी वजह से, तो वो आपका समाजकारी नहीं कहलाएगा, है ना, वो सामाजिक अन्याय हो जाएगा। जी सर, अन्याय शब्द को रिलेट करना, इसलिए पार्टिसिपेट की भी भूमिका इसके अंतर्गत आती है, इंपॉर्टेंट शब्द है। अभी तक तीन शब्द आपने सुने, तीनों शब्द जब भी परीक्षाओं में किसी ऑप्शन में लिखे रहे तो 99% में गारंटी के साथ कहता हूं उनको प्राथमिकता दीजिएगा प्रश्न के आधार पर, और वो सत्य जाते हैं, वो सत्य जाते हैं। जैसे मैंने तीन शब्द में एक समानता बताया है आप लोगों को, एक भागीदारी शब्द बताया है, एक संसाधन बताया है, इन तीनों शब्दों को ध्यान में रखिएगा। चौथा आता है मानवाधिकार। मानवाधिकार भी देखो ये प्रिंसिपल्स हैं, अभी मैंने जो आपको लिखवाए हैं वो तो प्रिंसिपल तो है ही, है ना, वो तो उसमें कोई दो राय नहीं है, ये भी प्रिंसिपल्स हैं जो यहां पर बात कर रहा हूं मैं मानवाधिकार के बारे में। मानवाधिकार या मानव अधिकारों के बारे में अगर हम जब बात करते हैं, तो समान शब्दों में अगर हम बात करें तो सिविल राजनीतिक अधिकार तथा आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार इसके अंतर्गत शामिल होते हैं मानवाधिकार में, है ना। मानवाधिकार में क्या क्या शब्द शामिल होते हैं, तो याद रखिएगा आप सभी लोग, एक राजनीतिक अधिकार, दूसरा आर्थिक अधिकार, तीसरा सामाजिक अधिकार, चौथा सांस्कृतिक अधिकार शामिल होते हैं।
अतः यह कहा जा सकता है कि मानव अधिकार का विचार मानवीय गरिमा से संबंधित है, इसीलिए तो सामाजिक न्याय में है, इसीलिए तो ये सामाजिक न्याय के सिद्धांत में है। तो व्यक्तियों के विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान करता है, अतः उन सभी अधिकारों को मानवाधिकार कहा जा सकता है जो मानवीय गरिमा को बनाए रखने के लिए आवश्यक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपने शब्द सुना होगा मानवाधिकार घोषणाएं, परीक्षाओं में आता है खूब आजकल। 1948 की बात है, 10 दिसंबर 1948 की बात है, उस समय संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकार के विश्व घोषणा पत्र में उसको क्या किया था, अंगीकृत किया था, अंगीकृत किया था। कब? 10 दिसंबर 1948 को, 1948 को, ठीक है। 10 दिसंबर को सवाल में यह भी बनता है कि 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस। 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस। बिल्कुल, मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, बिल्कुल करेक्ट जवाब बताया है ना। तो ये बेसिकली संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मनाना शुरू कब से किया, तो 1950 से किया था, 1950 से किया था। आया तो 1948 में ही था, लेकिन मनाया गया था 1950 से। ये चीज आप ध्यान रखिएगा मानवाधिकार के रूप में, ठीक है। वहीं अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं, तो कहता है कि मानवाधिकार सामाजिक न्याय से सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है। अधिकार उस चीज से उत्पन्न होते हैं जो हम जीने के लिए चाहिए। मानवाधिकार और सामाजिक न्याय अनिवार्य रूप से आपस में जुड़े हुए हैं, और एक के बिना दूसरे का होना असंभव है। ये भी बात सत्य है ना, ये बात सत्य है। मानवाधिकार और सामाजिक न्याय दोनों एक साथ आपस में जुड़े हुए हैं, और दोनों का अगर आप अलग अलग व्याख्या कर रहे हैं तो असंभव है। और ये बात आपको बताता है सामाजिक न्याय। कहता है कि देश में अधिकार उन कानूनों में प्रकट होते हैं जो बोलने की स्वतंत्रता की बात करें, मतदान के अधिकार की बात करें, आपराधिक न्याय सुरक्षा की बात करें, अन्य बुनियादी अधिकारों की बात करें, तो वो आता है मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स, है ना। तो मानव के मौलिक अधिकार, मानव के व्यक्तित्व के गौरव और महत्व में, तथा स्त्रियों पुरुषों के समान अधिकारों में आस्था प्रकट करती है एक प्रकार से, और यही बेसिकली मानवाधिकार रिप्रेजेंट करता है, है ना। तो इस चीज को आप सभी लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हो सकता है आपको परीक्षा में यहां से सवाल बना दिया जाए, ठीक है। फिर कहता है आपसे मानवाधिकार के बाद, ये देखो सिद्धांत है, यहां आपके समाप्त हो गए प्रिंसिपल, ठीक है। बाकी जो आप लोगों ने भी इन सिद्धांतों पर जिक्र किया है, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि मानवीय गरिमा का सिद्धांत, तो आप समझ सकते हैं इजिली कि मानव की गरिमा को स्वीकार करना चाहिए, है ना, मानव जीवन का सम्मान करना चाहिए, ये एक सिद्धांत था। मैंने यहाँ पर आप लोगों को भी मेंशन किया, साधारण शब्दों में आप इजिली बता सकते हो। अधिकार और उत्तरदायित्व का सिद्धांत होता है, अधिकारों और उत्तरदायित्व का सिद्धांत का मतलब जानते हैं, इसका क्या तात्पर्य होता है? अधिकार समाज के द्वारा स्वीकृत क्लेम होते हैं, और इस कारण से व्यक्ति समाज के सदस्य के रूप में कर्तव्यों का अनुसरण करता है। तो कर्तव्य अधिकार के पहले आते हैं, ना कि उसके बाद आता है। फिर से सुनिए, अधिकार और उत्तरदायित्व का सिद्धांत फिर सुनिए। अधिकार समाज द्वारा स्वीकृत दावे होते हैं, यानी क्लेम होता है, और इस कारण से व्यक्ति के समाज के सदस्य के रूप में कर्तव्यों का अनुसरण होता है, और कर्तव्य अधिकार के पहले आते हैं, ना कि उसके बाद। और इसी अर्थ में कर्तव्य अधिकारों से पूर्व है, इस आधार पर निर्माण करता है, अधिकार अपनी प्रकृति और प्रयोग में सीमित है, और यही आधार पर ही अधिकार और उत्तरदायित्व का सिद्धांत लागू होता है सामाजिक न्याय पर। साथ ही साथ आपसे कहता है सामान्य भलाई का सिद्धांत, है ना, एक कॉमन, जिसे आप कह सकते हो भलाई का सिद्धांत क्या होता है, सुखवाद का सिद्धांत होता है। भलाई के सिद्धांत में आप ये भी मेंशन कर सकते हो सुखवाद का दृष्टिकोण, तो जिसके अनुसार कल्याण केवल और केवल नकारात्मक चेतना अनुभव पर सकारात्मक संतुलन को निहित करता है। तो जब सकारात्मक प्रक्रियाएं जहां पर रिप्रेजेंट हो, तो जाहिर सी बात है वो सामान्य भलाई है, हमें किसी का बुरा नहीं करना चाहिए,
है ना। तो उस कंडीशन में जब भलाई वाले सिद्धांत को रिप्रेजेंट करता है तो उसको दर्शाता है एक प्रकार से सामान्य भलाई का सिद्धांत, और उसके बाद आपके सामने कहता है एकजुटता का सिद्धांत। एकजुटता का मतलब होता है, सिंपल सी बात है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, जब कोई समूह शांति और शांति समूह को लागू करने का इरादा रखता है तो वहां पे एकजुटता का सिद्धांत लागू होता है। मतलब सभी नागरिकों द्वारा समझा गया या सभी नागरिकों के द्वारा साझा या शेयर किए गए या किए जाने वाले जो सार्वभौमिक लाभ होगा, जो सार्वभौमिक लाभ होगा, उन सार्वभौमिक लाभों की सामाजिक कल्याण दृष्टि से होना चाहिए। और जब सामाजिक कल्याण के दृष्टि से होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, एकजुटता का सिद्धांत कहेंगे। सार्वभौमिकता होती है ना, जो सभी के लिए। अब कुछ सिद्धांत, कुछ योजनाएं, कार्यक्रम सुना होगा आप लोगों ने, पिछड़ी जातियों के लिए कार्यक्रम बनाए गए हैं, कुछ सुना होगा अनुसूचित जातियों के लिए बनाए गए होंगे, कुछ सुना होगा अनुसूचित जनजातियों के लिए बनाए गए होंगे। अगर मैं वही कह दूं कि सभी के लिए बनाए गए हैं स्वास्थ्य कार्यक्रम एक, तो वह एकजुटता का सिद्धांत हो जाएगा। फिर कहता है आपसे गरीबी और कमजोर वर्गों की प्राथमिकता का सिद्धांत। बड़ा ही आसान होता है सामाजिक न्याय के अंतर्गत। अगर मैं बात करूं तो आपने एक नाम सुना होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, अंबेडकर जी का, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ये फैक्ट है, याद रखिएगा। अंबेडकर महोदय ने, आपने सुना होगा कि सामाजिक न्याय के कुछ कंपोनेंट बताए थे, इन्होंने तीन घटक बताए थे। तीन घटक कौन कौन से थे? एक इनका था स्वतंत्रता शब्द, दूसरा था समानता शब्द, तीसरा था भाईचारा शब्द। ये सामाजिक न्याय के टाइप बता दिए कि तीन प्रकार के होते हैं। अंबेडकर महोदय ने कहा कि स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, और यहां पे इन्होंने कहा कि प्राथमिकता देनी चाहिए जो गरीब लोग हैं, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनको प्राथमिकता देनी चाहिए। पहले उनको प्राथमिकता देनी चाहिए कि उन लोगों को समाज में आगे लाया जाए, समाज की मुख्य धारा से उनको पहले जोड़ा जाए। यानी ऐसे सामाजिक या न्यायपूर्ण समाज की स्थापना से है जिसमें सामाजिक आर्थिक जो विषमता है ना वो समाप्त हो जाए, समाज को समावेशी कर दिया जाए, और संसाधनों का वितरण सार्वमान्य स्वीकार पर आधार बनाकर सभी लोगों को वितरित कर दिया जाए। तो उस प्रक्रिया में गरीबों और कमजोर वर्गों के जो लोग थे उनको प्राथमिकता का सिद्धांत लागू करता है। ये चीजें बन जाती है। एक भागीदारी का सिद्धांत होता है, अभी आपने पढ़ा, जिसको हम लोग साझेदारी कहते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि व्यावसायिक संगठन का एक व्यक्तियों में या एक व्यक्तियों का परस्पर संबंध जिसमें लाभ कमाने के उद्देश्य से एक व्यावसायिक उद्यम का गठन हो सके, यानी पार्टनरशिप की भूमिका बन सके, लोगों को समाज में, समुदाय में, समूह में जोड़ा जा सके। जो लोग पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो लोगों के पास संसाधन नहीं पहुंच पा रहा है, जो लोगों को समाज की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पा रहे हैं, उन लोगों को भागीदारी के सिद्धांत के माध्यम से समाज की मुख्य धारा से जोड़ना चाहिए। और एक विषय वस्तु को, जो भेद है, जो विभेद है, उसको पाटने का प्रयास करना चाहिए। पाटने का मतलब है खत्म करने का प्रयास करना चाहिए, है ना। और सक्रिय भागीदारी का एक सिद्धांत है, और वो सक्रिय भागीदारी का सिद्धांत दिया था पिंकस और मिनहम ने। लेकिन भागीदारी का सिद्धांत के जो संस्थापक माने जाते हैं, सांस्कृतिक इतिहासकार में आपने एक नाम सुना होगा, रिचर्ड टानर्स का नाम, रिचर्ड टानर्स का नाम, इस विद्वान ने भागीदारी का सिद्धांत दिया था, और ये ज्ञान मीमांसा ज्ञान का एक सिद्धांत मानता था रिचर्ड टानर्स ने। तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे, सहभागी का सिद्धांत, इसको भागीदारी का सिद्धांत भी कहा जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे सामाजिक न्याय के अंतर्गत कुछ मुद्दों को लेकर, कुछ मुद्दे हैं, कुछ इश्यूज हैं। क्या इश्यू हो सकते हैं? जैसे सिंपल शब्द है, नस्ली भेदभाव,
है ना। तो नस्ली भेदभाव के उदाहरण में अगर हम बात करते हैं तो जैसे देखिए नस्ली भेदभाव का उदाहरण गुलामी है। दास्ता एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक मनुष्य दूसरे की संपत्ति की तरह होता है या दुनिया भर में पाया जाने वाला एक सामाजिक अन्याय का मुद्दा होता है। रूढ़िबद्धता हो सकता है, आप उससे बैर कर रहे हैं क्योंकि वो निचली कास्ट का है, आप उसे उस मंदिर में जाने नहीं दे रहे हैं, आप उस कुएं का पानी नहीं पीने दे रहे हैं क्योंकि वो निचली जाति का है। ये रूढ़िबद्धता है एक प्रकार से, कॉन्सेप्ट लोगों ने बना रखा है पहले से, है ना। इसको इस भेदभाव, ये भेदभाव आज भी है, आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में चले जाओ तो आज भी देखने को मिलेंगे आपको ये। और यही आप लोगों की भूमिका होगी, आपके अगर सिलेक्शन होता है तो इन रूढ़िबद्धता को समाप्त करना होगा, इसे ही आपको समाप्त करना है। तो रूढ़िबद्धता एक नस्ली भेदभाव का उदाहरण है। रूढ़िबद्धता एक जैसी चीज है जो किसी भी नस्ली समूह के साथ हो सकती है या किसी विशेष समूह या लोगों के वर्ग के बारे में एक निश्चित और अति सामान्यकृत विश्वास है। एक प्रकार से रूढ़िबद्धता भेदभाव को, पूर्वाग्रह को ही रिप्रेजेंट करता है। आपको बता दें यहां सामाजिक न्याय के विधान एक रिलेट होता है शब्द, मैं यहां पे नोट करना चाहूंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट तथ्य है, हो सकता है परीक्षाओं में आप लोगों से पूछे जाए, है ना। एक मिनट आगे मैं लेके चल रहा हूँ आपको पीडीएफ पे, वहाँ पे आप लोगों से जिक्र करूँगा, है ना। ये देखिए ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट के अंतर्गत बेसिकली सामाजिक न्याय का विधान रिलेट होता है। सामाजिक न्याय का विधान, अब समझिएगा थोड़ा सा, पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंतर्गत आपसे सामाजिक न्याय की दृष्टिगत बनाए रखने के लिए भारतीय विधान थे, और उन भारतीय विधान में आपने एक नाम सुना होगा, भारतीय दास्ता एक्ट या अधिनियम। पेपर में सम्मिलित करने वाला प्रश्न आएगा 1843 और जातीय निर्योग्यता निवारण अधिनियम सुना होगा, या निवारक भी कह सकते हो आप लोग, अधिनियम सुना होगा 1850। आपने वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सामान परिश्रमिक, ये परीक्षा में आता है, सामान परिश्रमिक परिश्रमिक अधिनियम, ये आपने सुना होगा 1976 और आपने अभी भी मैंने दो दिन पहले ही आप लोगों से जिक्र किया था बधुआ श्रम पद्धति उत्पादन एक्ट 1976। आपने सुना है सिविल अधिकार, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। एक लास्ट भी इंपॉर्टेंट है, अनैतिक, एक मिनट, अनैतिक व्यापार निषेध अधिनियम 1956, हाँ, निवारक एक्ट 1956, है ना। ये बेसिकली अगर मैं बात करूं, जैसे दास, कृषिदास, बधुआ और बलात् श्रम प्रथाओं के उन्मूलन संबंधी विधान हैं, समान परिश्रमिक विधान, जाति निर्योग्यता निवारण विधान, अस्पृश्यता निवारण विधान, है ना, ये स्त्री
तथा लड़कियों, अनैतिक व्यापार दमन विधान, भिक्षावृत्ति निवारण विधान, कई ऐसे विधान है या अनुच्छेद है, सॉरी अधिनियम है, जो रिलेट कराते हैं सामाजिक न्याय के अंतर्गत। और ये नस्ली भेदभाव, एक प्रकार से नस्ली भेदभाव, यानी दासता, जो दास प्रथा है, दास चीजें हैं, उसको समाप्त कर दिया जाए, जाति निरूपता को समाप्त कर दिया जाए, समानता की बात किया जाए, इस तरीके की चीजें इसके अंतर्गत मेंशन की गई। और एक आता है आयुवाद, आप कह सकते हैं उम्रवाद, एक व्यक्ति की उम्र के आधार पर भेदभाव है। और माना जाता है कि दुनिया भर में या दुनिया में हर दूसरा व्यक्ति उम्रवादी दृष्टिकोण रखता है, हालांकि इसका किसी भी अन्य प्रकार के भेदभाव के समान आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक प्रभाव हो सकता है। चलिए इसके कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे काम से सेवाएं, सुविधाएं, अनुबंधन, व्यापार और व्यावसायिक संघों में सदस्यता से वंचित किया जाना या समाज पर बोझ के रूप में देखा जाना भी प्रकार से क्या कहलाता है, आयुवाद कहलाता है। जानते हैं आप आयुवाद शब्द किसको रिप्रेजेंट करता है, बताइए। यस सर, बुजुर्ग लोग। हाँ, जरड़ शब्द रिलेट होता है, वृद्धा आयु शब्द रिलेट होती है। आयुवाद का तात्पर्य है, सिंपल शब्दों में आप ये कह सकते हैं सभी लोग, कि कहीं ना कहीं जो शब्द रिलेट होता है वो बुजुर्ग शब्द को प्रस्तुत करता है। और 60+ अगर हम बात करते हैं तो उस शब्द में हम आयु या जरड़ शब्द रिलेट कराते हैं आयुवाद में, है ना, आयुवाद में। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही, बताइए एक बार। जी सर, आ रही है। ओके, अब ध्यान से सुनिए, आयुवाद एक एजिंग शब्द है, आयुवाद एक एजिंग शब्द है, जरड़ शब्द आप बोलते हैं उसको, आयुवाद को जरड़ कहता है कि वृद्ध व्यक्तियों के लिए एक प्रकार की समस्याएं हैं आयुवाद में। आयुवाद के आधार पर कहा गया कि व्यक्तियों और समूहों के विरुद्ध भेदभाव होते हैं, उन भेदभाव को समाप्त करने की बात करता है। 1969 में बेसिकली अगर मैं बात करता हूं तो रॉबर्ट नील बटलर का नाम सुना होगा, रॉबर्ट नील बटलर का नाम सुना होगा, बटलर 1969। वरिष्ठ नागरिकों के विरुद्ध भेदभाव का वर्णन करने के लिए यह शब्द घड़ा था इन्होंने 1969। बटलर ने वयोवाद को, जिसको हम लोग आयुवाद कह रहे हैं, तीन तत्वों में संयोजित कर दिया था, तीन तत्वों में संयोजित कर दिया था। जैसे इन्होंने कहा कि वृद्ध लोगों के साथ अगर हम बात करते हैं तो उनके साथ भेदभाव व्यवहार होता है, उन भेदभाव व्यवहार को समाप्त करना चाहिए, यानी पूर्वाग्रह को समाप्त करना चाहिए। संस्थागत प्रथाएं, उनको संस्थागत प्रथाएं जो है प्रोवाइड कराना, मतलब उस संस्थागत प्रथाओं में बेसिकली पॉजिटिव शब्द को मेंशन किया गया, यानी सेवाएं वगैरह प्रोवाइड करानी चाहिए वृद्ध व्यक्तियों के लिए, जो है शारीरिक समस्याएं अधिक हो जाती हैं, है ना, मानसिक समस्याएं भी हो जाती हैं, शारीरिक समस्याएं, विभिन्न प्रकार की समस्याएं, जैसे वो वृद्ध होते हैं उसके बाद विभिन्न प्रकार की समस्याएं उनकी जकड़ देती है, उन समस्याओं को समाप्त करने की बात करते हैं। नीतियों, जो वृद्ध लोगों के बारे में रूढ़ धारणा कायम बनाए रखी है, उस नीतियों के माध्यम से उनकी जो धारणाएँ हैं उसको समाप्त करना चाहिए, क्योंकि वृद्ध व्यक्ति जो हैं आयु के अनुसार जो है एक प्रकार से उन परिवार में एक बोझ का रूप, एक बोझ के रूप में जाने जाते हैं, तो उन चीजों को हमें समाप्त करना है, समाज में जो इस तरीके के पूर्वाग्रह हैं उसको समाप्त करना है। वही शब्द जो है आयुवाद के अंतर्गत या एजिंग शब्द के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। अगर आप वृद्ध व्यक्तियों का अध्ययन करते हैं तो उस अध्ययन प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, जानते हैं, अगर आप वृद्ध व्यक्तियों का आप अध्ययन कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जरा विज्ञान सर, जेरेंटोलॉजी कहते हैं, या तो हम जरा विज्ञान कहते हैं अगर आप वृद्ध व्यक्तियों का अध्ययन करते हैं तो।
वृद्ध व्यक्तियों का अंतरराष्ट्रीय वर्ष कब मनाया जाता है? तो 1999 में मनाया जाता है। जी सर, 1999। और वृद्ध दिवस कब मनाया जाता है? सर 10 अक्टूबर। वृद्ध दिवस कब मनाया जाता है? वृद्ध दिवस कब मनाया जाता है आपको पता नहीं? 1 दिसंबर। नहीं, अक्टूबर में मनाते हैं। 1 अक्टूबर को मनाया जाता है भाई, 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 1 मई को क्या मनाया जाता है? मजदूर दिवस। मजदूर लेबर लेबर डे। ठीक है, ठीक है। और अंतरराष्ट्रीय ठीक है। एक मुद्दा था भूख और खाद्य असुरक्षा को लेकर। भूख और खाद्य असुरक्षा जटिल समस्या है क्योंकि यह गरीबी से जुड़ी हुई है। ठीक है, और यह कोई नई बात नहीं है कि ऐसी स्थिति इतिहास की शुरुआत से चली आ रही है। एक सर्वेक्षण में पाया गया कि गरीबी और भूख बहुत बड़े मुद्दे हैं, जबकि पुरानी पीढ़ी इसे सामाजिक मुद्दों की सूची में कम रखा जाता था या कम जो है रखा करती है, इस शब्द को रिलेट कराता है। तो बेसिकली क्या है, भूख और खाद्य असुरक्षा भी सामाजिक न्याय के अंतर्गत एक प्रकार से दर्शाती है क्या, चुनौतियां। एक प्रकार से क्या दर्शाती है, ये चुनौतियां शब्द दर्शाती है, भूख और खाद्य असुरक्षा, है ना। इसका मतलब यही होता है कि भूख एक व्यक्तिगत स्तर की शारीरिक स्थिति है जो खाद्य असुरक्षा के परिणाम स्वरूप हो सकती है, है ना। इस शब्द को ध्यान रखिएगा, पर्याप्त भोजन तक सीमित या अनिश्चित पहुंच की घरेलू स्तर की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को भी ये कहीं ना कहीं दर्शा देती है। तो भूख और खाद्य असुरक्षा कहीं ना कहीं ये सामाजिक न्याय के अंतर्गत एक चुनौती के रूप में उभर के आती है, एक मुद्दा है। स्वास्थ्य सेवाएं की बात करते हैं, जैसा कि आप जानते हैं सामाजिक न्याय का अर्थ सभी को समान अधिकार की बात करता है, अवसर की बात करता है, अच्छे स्वास्थ्य अधिकार की बात करता है, है ना। फिर स्वास्थ्य में ऐसी असमानता आज भी मौजूद है। आप ग्रामीण क्षेत्रों में चले जाइए, आप प्राथमिक स्वास्थ्य चिकित्सालय देखेंगे परंतु वहां पे डॉक्टर नहीं देखेंगे, नर्स नहीं देखेंगे, मेडिकल सोशल वर्कर नहीं देखेंगे। आप गांव की बात छोड़ो, शहरों में आ जाइए, डॉक्टर तो हैं, नर्स भी हैं, सब कुछ है वहां पे, लेकिन सही तरीके से रिसोर्सेज नहीं है, सुविधाएं नहीं है उनके पास। मेडिकल सोशल वर्कर की भी वैकेंसी कर बात करते हैं, भाई 1, 2, 3 निकालते कहां फुलफिल हो पाएगी, है ना। तो जो नर्स हैं, जो वॉलेंट्री के रूप में आजकल, आज अभी आप किसी भी बड़े हॉस्पिटल में चले जाइए तो डॉक्टर कम मिलेंगे, वॉलेंटियर ज्यादा मिलेंगे। वॉलेंटियर का मतलब ये होता है कि जो ट्रेनिंग कर रहे हैं वो लोग मिलेंगे, और वही केस स्टडी भी ले रहे हैं, वही पीएसी एक होता है, पीएसी एक पीएसी जांच होती है, वही पीएससी भी करेंगे, केस स्टडी भी वही लेंगे, सब कुछ वही करेंगे, क्योंकि पीएससी का पार्ट और केस स्टडी की भूमिका मेडिकल सोशल वर्कर की है, है ना। फिर भी स्वास्थ्य जैसी असमानताएं आज भी मौजूद है, और ये असमानताएं अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर नीतियों और प्रथाओं का परिणाम है जो अन्य कारकों के साथ साथ जाति, वर्ग, लिंग, स्थान और धन के आधार पर समुदायों के बीच में अंतर करती है, और हमें इसी बड़े पैमाने को संशोधित या संबोधित करने की जरूरत है, है ना। और ये बिल्कुल सत्य बात है, होनी चाहिए, है ना। उसके बाद देखिए सामाजिक न्याय के अंतर्गत प्रावधान, अब यहाँ पे संवैधानिक प्रावधान। देखिए मैं आपको बता दूं, संविधान के द्वारा जो है सामाजिक न्याय के अंतर्गत प्रदान किए गए हैं कुछ अधिकार। मैं आपसे कहूंगा कि इसमें कुछ आर्टिकल्स हैं, उन चीजों को आप नोट कर लीजिए, जैसे मैं साइड में नोट करूंगा, एक आपको अनुच्छेद 14 आएगा, अनुच्छेद याद रखिएगा, दूसरा आपका एक अनुच्छेद 15 आएगा, एक अनुच्छेद आपका 16 आएगा, एक आपका 17 आएगा, ठीक है, 18 को भी डिनोट कर सकते हो, ठीक है। ये कुछ जो है अनुच्छेद है जो सामाजिक न्याय भारतीय संविधान के द्वारा सामाजिक न्याय के अंतर्गत प्रदान किए गए, ठीक है। समता का अधिकार की बात करूं, या मैं विधि के समक्ष समता की बात करूं, या विधियों का समान संरक्षण की बात करूं, तो क्या रिलेट होता है, अनुच्छेद 14 रिलेट होता है। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद छेद करता हूं तो रिलेट होता है अनुच्छेद 15।
और अगर मैं आपसे कहता हूं कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता की बात करो, तो वो रिलेट होता है अनुच्छेद 17 सॉरी अनुच्छेद 16। और मैं आपसे रिलेट कराता हूं अस्पृश्यता यानी छुआछूत को, तो वो रिलेट अनुच्छेद 17। और अगर मैं आपको कहता हूं कि उपाधियों की अंत की, तो वो अनुच्छेद रिलेट होता है 18। तो भारतीय संविधान अपनी विधि और संप्रभुता का प्रतीक है और अपनी संरचना सुदृढ़ता और लोकतांत्रिक मूल्यों के कारण निश्चित ही सर्वोत्कृष्ट है। इसके अंतर्गत इन अनुच्छेदों को जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि सामाजिक न्याय भारतीय संविधान की क्या है, आधारशिला है, आधारशिला है, ठीक है, संवैधानिक प्रावधानों को ये कहीं ना कहीं डिनोट करता है। तो इसके अंतर्गत अगर मैं बात करता हूं संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत समता का जो अधिकार है जो प्रदान किया गया है वो सामाजिक न्याय की अवधारणा है। आप कह सकते हो सामाजिक न्याय मनुष्यों तथा समूहों के बीच में समानता पर बल देता है, तो इसलिए आप यहां पर 14 को रिलेट करा सकते हो, 15 भी रिलेट होगा, 16 17 18 भी रिलेट होगा, है ना। व्यापक अर्थों में सामाजिक न्याय क्या बनता है, सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक तीन तरह के न्याय होते हैं, वो व्यापक अर्थों में सामाजिक न्याय होगा। अर्थवेद में आपने पृथ्वी सुक्ति के बारे में पढ़ा, जहां मैंने पृथ्वी परिवार की बात किया, उसकी परिकल्पना की गई थी, वहां पर सामाजिक न्याय शब्द रिलेट हो जाता है। शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार आदि के समान अवसर की प्रोवाइड कराया जाए, वो भी सामाजिक न्याय का पार्ट बन जाएगा, ठीक है। तो उन्हीं के संबंधों में यहाँ पर आप देखिएगा कुछ और अनुच्छेद जो संवैधानिक के अंतर्गत रिलेट कराते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप जरूर ध्यान में रखेंगे। अनुच्छेद 23 क्या कहता है आपसे, आर्टिकल 23 कहता है कि सामाजिक न्याय के संदर्भ में संविधान के प्रारूप के अनुसार मानव तस्करी और जबरन मजदूरी पर प्रतिबंध कर देना। और आप सब जानते हो बलात् श्रम जब शब्द रिलेट होता है तो हम सीधा सीधा क्लिक करते हैं अनुच्छेद 23 को। अनुच्छेद 24 क्या कहता है, कहता है कि सामाजिक न्याय के संदर्भ में संविधान के प्रारूप के अनुसार कि बाल श्रमिक को काम करना कानूनन जुर्म है, मानवीय दोष है, प्रतिषेध है। आपको पता होगा कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को अगर आप कारखाना या खान या खतरनाक जॉब में नौकरी दे रहे हैं तो वो प्रतिषेध कर दिया गया, आपको आप दंडनीय अपराध है वहां पर, वो चीजें आपको दंड जाएगा, आपने अपराध किया है। तो ये आपको 24 कहता है 14 साल से कम उम्र के बच्चों को अगर आपने कर दिया तो, ऐसा शब्द रिलेट होता है। आप ऐसा भी कह सकते हो बाल श्रम करवा नहीं सकते वहां, ठीक है। अनुच्छेद 37 कहता है कि सामाजिक न्याय के संदर्भ में कि अनुच्छेद जो है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत में भाग रखा गया है। देखिए ये बेसिकली आपने नाम सुना होगा DPSP के बारे में, अनुच्छेद 37 जी सर, है ना। तो वो बेसिकली राज्य के नीति निदेशक तत्वों के संबंध में प्रावधानों का किसी भी न्यायालय के द्वारा प्रवर्तित नहीं किया जा सकता है, लेकिन इनमें निहित सिद्धांत शासन व्यवस्था में मौलिक कर्तव्यों या मौलिक प्रकृति में होंगे। तो मौलिक अधिकार न्यायालय में क्या है, प्रवर्तनीय योग्य है, परीक्षा में बस सवाल बना था, एक मौलिक अधिकार और एक राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत से। तो मैं एक ही पॉइंट कहूंगा, आप उसको दिमाग में रख लीजिए, मौलिक अधिकार जो है न्यायालय में प्रवर्तनीय योग्य है, प्रवर्तनी या प्रवर्तन योग्य है, योग्य है, और ये कौन है, ये मौलिक अधिकार है। ये आया था पेपर में UGC नेट में, है ना, और ये मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय योग्य, ठीक है। और न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं किया जा सकता है, यानी प्रवर्तनी यानी अप्रवर्तनी शब्द यहां पे लिख दिया था, अप्रवर्तनी योग्य है, तो वो शब्द क्या हो जाएगा, डीपीएसपी, ठीक है। ये बात आप जरूर ध्यान में रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए, ठीक है। 37 हालांकि 36 से रिलेट नहीं होता, लेकिन वो डीपीएसपी की परिभाषा यानी राज्य की परिभाषा वगैरह बताता है 36 अनुच्छेद, ये चीज आप छोड़ दीजिए। 38 सामाजिक न्याय के संदर्भ में राज्य के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करने के लिए काम करना चाहिए, बात सत्य है, करेक्ट है। फिर 30 कहता है सामाजिक न्याय के संदर्भ में संविधान के प्रारूप के अनुसार राज्य के द्वारा पालन किए जाने वाले नीति के कुछ सिद्धांत के बारे में कहा गया है 39 में। 39 जो आर्टिकल्स है किस चीजों को रिलेट करता है बता सकते हैं, बताइए अगर आपको पता है। अनुच्छेद 39
अरे भाई मैं तो कई बार बता चुका हूं, मेरी आवाज क्लियर है, एक बार स्पष्ट करो। हेलो, स्पष्ट है मेरी आवाज। अब देखो अनुच्छेद जो आपको मैंने यहाँ पे 39 की बात किया है, ये राज्य के द्वारा पालन किए जाने वाले नीतियों के कुछ सिद्धांत है, तो मैंने उसके अंतर्गत आपको अभी हाल ही में भाई 39 का ए, 39 का बी, 39 का सी, डी और ई, इन सभी पर बात किया। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा सभी लोग इसके बारे में। देखिए 39 का ए क्या कहता है, ए कहता है कि पुरुषों और महिलाओं को समान रूप से आजीविका के पर्याप्त साधन पाने का अधिकार है, बात सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं, मतलब आजीविका को पर्याप्त साधन पाने का अधिकार है 39 का ए। 39 बी तो आपने लिखवाया था कि गरीबों को निशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना, जो 42वें संशोधन में आया था 1976 के अंतर्गत। बिल्कुल, देखो वो भी चीजें रिलेट हो गई, ऐसी बात नहीं है, वो भी चीजें इसके अंतर्गत आ जाएगी, निशुल्क सेवाएं वगैरह भी प्रोवाइड कराने की बात करता है, ये भी चीजें आती है। साधन पाने का अधिकार क्या होगा, साधन पाने का अधिकार यही होता है, हम बात कर रहे हैं इस समय सामाजिक न्याय के परिप्रेक्ष्य में जी, तो वो चीजें भी होंगी उसके परिप्रेक्ष्य में, वही जो पर्याप्त साधन पाने का अधिकार है इसका मतलब यही है भाई, शब्द केवल अलग हो गए, मीनिंग वही निकलेंगी। ओके, समुदाय के अगर भौतिक संसाधन की बात करता हूँ, समुदाय के भौतिक संसाधनों की बात करता हूँ, या भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण की बात करता हूँ, भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार वितरित किए जाए कि आम हित की पूर्ति हो सके, आम लोगों की पूर्ति हो सके, वो 39 का बी होगा। 39 का सी, आर्थिक व्यवस्था के संचालन के परिणाम, देखिए ये कीवर्ड है, भौतिक आप लिख सकते हो बी वाले में, पर्याप्त साधन लिख सकते हो आप ए वाले में, ये कीवर्ड है, और सी वाले में आप क्या लिखोगे कि आर्थिक व्यवस्था कीवर्ड है, संचालन के परिणाम स्वरूप धन और उत्पादन के साधनों का सामान्य नुकसान के लिए संकेंद्रित रहे। एक मिनट होल्ड रखिए, जो सी ऑप्शन है वो आर्थिक व्यवस्था का संचालन को रिलेट करती है, जहां धन और उत्पादन की बात होती है। डी की बात अगर हम करते हैं तो पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन की बात होता है डी में, और ई क्या कहता है, कहता है कि पुरुषों और महिलाओं के स्वास्थ्य और ताकत और बच्चों की कोमल उम्र का दुरुपयोग ना हो, और नागरिकों की आर्थिक आवश्यकता से उसकी उम्र या ताकत या अनुपयुक्त व्यवसाय में प्रवेश करने के लिए मजबूर ना किया जाए, वो आपको 39 का ई बताता है। और 39 का एक एफ होता है जो 42वां संविधान संशोधन 1946 में हुआ था, नाम सुना होगा आप लोगों, मैंने पढ़ाया भी है आप लोगों को, कि बच्चों को स्वस्थ तरीके से स्वतंत्रता और सम्मान की स्थितियों में विकसित होने का अवसर सुविधाएं देता है, बचपन और युवावस्था को शोषण और नैतिक भौतिक परित्याग से बचाता है, वो बेसिकली 39 का एफ होता है ना। तो आज के लिए बस इतना ही रखिए, कल 15 मिनट में ये आपकी क्लास जो है, जो बची हुई क्लासेस हैं उसको मैं फिनिश कर दूंगा, ठीक है ना जी सर। ठीक, परीक्षा के दृष्टिकोण से जो तथ्य मैंने नोट करवाए हैं वो तथ्य इम्पोर्टेंट है आगामी परीक्षाओं के लिए, ठीक है ना सर। ओके सर, ये दोनों पीडीएफ भेज देना दोनों क्लासेस की।